इस चीज पर गंभीरता से मंथन करके इसको काफी चर्चित करना पड़ेगा। आप अपने प्रश्न को दोबारा दोहराइए। जी, मैंने कहा कि ये सारी चीजों को जितने भी अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, ये लोकसभा में अपन देख रहे हैं, बता रहा है कि 42% बढ़ गए, इनको अपन कम करने की बजाय इसको खत्म करने के बारे में कैसे समाज से भी लोग आगे आए, किस ट्रैक पर काम करें, तो इस पर बंदी और शक्ति के साथ में मतलब इसको रोक सके। गलती से देखिए, मैंने इसका एक मॉडल डेवलप किया है और उसके पीछे जो वो है उसका ये है कि देखो, ये हमें मूर्ख बना के हमारा वोट कैसे ले पा रहे हैं, फ्री भी लेके हमें हमारा वोट ले पा रहे हैं और फ्री भी लेके हमें निकम्मा बना पा रहे हैं। इस फ्री भी के कारण जो है आज जो है ना गांव में और आपके युवाओं में दारू खेरू बहुत बढ़ गई है, इनके चरित्र पे जो है ना चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, टीवी सीरियल्स में जो है ना चारों तरफ व्यभिचार परोसा जा रहा है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल की बहुमार आ गई है। तो इनको शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से आपकी युवा, जिसपे आप कहते हो कि इतने % युवा है, वो युवा को इतना कंडेम कर दिया गया है कि देखिए, मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है और मेरा अभी तक का अनुभव है कि जो भी मजदूर वहां काम के लिए आया है वो दिन भर काम नहीं किया है, और ऐसा नहीं कि क्योंकि उसमें शारीरिक क्षमता ही नहीं है, वो कहता है भैया मुझे आधा मजदूरी दे दो, मैं तो 12 बजे के बाद मेरे काम करने की स्थिति में मैं नहीं। मतलब वो एक मजदूर शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो गया है जो कि मजदूर का ही जो है व्यवसाय कर रहा है, जो मजदूर का ही जॉब कर रहा है, वो दिन भर मजदूरी कर पाए ऐसी शारीरिक क्षमता उसमें नहीं बची है। तो हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं? सही बात है। मतलब हमें देश में धूर्तता, ये सब चीजें जो है ना चारों तरफ हो रही हैं और धूर्त लोग ही समाज के आइकॉन बन रहे हैं। तो इस भारत को, जिसको आप महान कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इसको सच में महान बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। ये दुष्ट चोर क्रिमिनल राजनेता तो ये ना होंगे ना होने देंगे, और ये जो है सिस्टम को गाली देंगे लेकिन सिस्टम को अच्छा नहीं बनाएंगे, ये पुलिस को गाली देंगे लेकिन पुलिस सुधार नहीं करेंगे, वो अच्छे अधिकारियों को जो है ना कभी अच्छे पद पे नहीं भेजेंगे। धोखे से कोई यदि पहुंच भी जाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन ना करते हुए भी हटा देंगे। कोई ना कोई षड्यंत्र लेंगे जरूर, नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी दुष्टता से नियम विरुद्ध उसे हटा देंगे। पहले तो उसे वहां पहुंचने ही नहीं देंगे यदि गलती से जो है ना हो गया। जैसे कि कई लोग बहुत चतुर होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे सेशन जी चतुर थे, राइट, वो जो है ना कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे लेकिन उन्होंने अपने जो है ना चरित्र को कहीं ना कहीं छिपा के रखा। जी जी जी, ठीक है ना, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए तब उन्होंने अपना चरित्र उजागर किया और सबको ठीक कर दिया, राइट। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट जिन्होंने एक बहुत सोच समझी चाल के तहत अपने आप को ढीला ढाला, एक सेंसाई मूवी थी, आपने देखी थी क्या? अमिताभ बच्चन की मूवी है? नहीं देखी है। तो उस मूवी में अमिताभ बच्चन जो है का वो जो है ना एक पुलिस वाला होता है अमिताभ बच्चन, राइट, पान खाएगा, वर्दी ठीक ढंग से नहीं पहनेगा, वो सामने सामने भ्रष्टाचार करेगा, ये चरित्र जो है ना उसका दिखाया गया है, राइट। और वही व्यक्ति रात में जो है ना सहनसाय के वेश में निकलता है और इन दुष्टों को, जिनको वो दिन में पहचान लेता है कि दुष्ट है, वो रात में जाके उनको ठीक करता है अकेला जाके, बताइए, ये सहनसाय मूवी है, राइट जी, राइट। तो इन्हें तो जो है ना दुष्ट लोग ही चाहिए, इन्हें तो अच्छा सहनसाय जैसा कोई व्यक्ति चाहिए नहीं, और सहनसाय को भी ये काम करने के लिए रात के अंधेरे का और एक आवरण का यूज करना पड़ा। बिल्कुल राइट। अब यदि मान लो कोई इतना अच्छा ब्यूरोक्रेट है कि वो पूरी नौकरी में अपने आप को ढीला पीला भ्रष्ट वृष्ट सब बताता रहा और उसके जेहन में जो है ना उसका चरित्र इतना पाक है कि उसने सोच के रखा है कि मुझे वहां पहुंचने दो फिर मैं सबको ठीक कर दूंगा। अब यदि ऐसा कोई व्यक्ति धोखे से वहां पहुंच गया और वो सबको ठीक करने लगा तो ये तमाम नियम कानूनों को किनारे रख के उसको तत्काल हटा देंगे। बिल्कुल वही हो रहा है ना, अच्छे लोग कहाँ पहुंच पाते हैं, पहुंच भी पाते हैं तो उसके पीछे इतनी बीमारी लगा देते हैं कि काम नहीं कर रहे थे, वो
जिस जगह पे भी है वो कैसे बच के काम कर रहा है वो खुद ही जानता है। ये बात अभी इसके एक सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है, एक डीजी थे कमल नयन झा आई थिंक, हाँ वो जो है डीजी झारखंड थे, उनको समय के पहले हटा दिया गया, राइट। तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इनको क्यों हटाया गया है, ठीक है ना जी। तो धोखे से यदि कोई पहुंच जाए तो उसको भी ये काम नहीं करने देंगे, राइट। नहीं करने दे रहे अभी, राइट, अभी भी नहीं करने दे रहे अभी। आप कहाँ है अभी? मुझे कैसे मालूम, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ जी। तो मेरा इसमें जो कहना है कि हमें एक आमूल चूल व्यवस्था की परिवर्तन की एक बेला रखना पड़ेगी, परिवर्तन का वो रखना पड़ेगा, और वो अपनी दम पे करना होगा, क्योंकि ये लोग तो करेंगे नहीं और ना ही ये इनकी सोच का हिस्सा हो सकता है। तो हमने इसके लिए एक क्राइम फ्री भारत का मॉडल बनाया है, समर्थ भारत, ए जर्नी फ्रॉम स्केयरसिटी टू अबंडेंस। हमारा जो वॉलंटियर है जो कि गांव खेतों पे जाके मेहनत करेगा, उसको जो है 48,000 के इक्विवेलेंट पैसा मिलेगा। अच्छा, ये पूरा मॉडल है, आप सुनिए जो है ना, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और उसको सुनिए। दिस मॉडल इज ऑलरेडी लाइव, वी आर टॉकिंग ऑन कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें जो है ना तो पैसों का कमी आएगी और ना ही, क्योंकि देखिए नेचर ने हर चीज अबंडेंस में पैदा की है जी, ठीक है ना। क्या सूर्य की रोशनी आती है और जो भी आप खा रहे हैं वो सूर्य की एनर्जी से पैदा हो रहा है, तो आपका जीवन जो है यदि सूर्य की रोशनी 10 मिनट के लिए भी विलोपित हो जाए पूरी तरह से, डिफ्यूज नहीं, तो आप जो है ना आपका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात, राइट 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 सर। तो सूर्य की रोशनी आपको पैसा देना पड़ते हैं क्या? नहीं देना पड़ते। अच्छा, जो पानी बहता है जिसको आप रोज पीते हैं, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है क्या? हाँ, आजकल देने लग गए हैं, आजकल तो बॉटल हो गया है। फिर भी इतना नहीं है। Okay. तो आपके आपके शरीर में 70% पानी है जो नेचर ने आपको फ्री में दिया हुआ है, फिर आपको सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन्स मिनरल्स ये सब चीजें खाना पड़ती हैं, जो कि आपको अन्न से मिलती हैं, आपको फल से मिलती हैं, आपको वेजिटेबल से मिलती हैं। तो ये चाहे वो फल हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स हो, ये सब चीजें क्या किसी ने पैसे देके पैदा किए हैं क्या? नहीं, मतलब यदि पौधा लग गया है तो सूर्य की एनर्जी से वो बड़ा भी होगा, वो जो है ना जमीन हवा पानी उसको समय समय पर मिलते रहेगी, कुदरत समय समय पर उसको कुदरत हवा भी देती है। तो इसका मतलब है कि नेचर ने हर चीज अबंडेंस में दी हुई है, स्केयरसिटी हम बदमाशी से मक्कारी से अपने स्वार्थ के लिए लाए हैं। बिल्कुल, हमने इसी मॉडल को समझ लिया है और इसी मॉडल का यूज करके बिना संसाधनों के हम एक समर्थ भारत पैदा करने की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। चाहिए कि लोग आगे से जुड़े, बस केवल देखिए हब पैदा हुए तो यदि हम अपना पूरा जो है ना सामर्थ लगा दें पेड़ पौधे इन सब चीजों को पैदा करने में, तो क्या हम जो है ना पूरे ग्लोब के लिए सब चीज पैदा नहीं कर सकते? नहीं, सही बात। और उस व्यवस्था में सभी को जो है ना केवल अन्न मिले, क्योंकि ये तो कह रहे हैं 1-2 रुपए में हम अन्न दे देंगे, और वो भी जो ना इनके जो स्टोरेज में रखा हुआ वो सबसे घटिया अन्न है जो कोई खाने लायक नहीं होता है, वो बेचारा जो है ना गरीब आदमी सिर्फ इसलिए खाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, वो मतलब उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं गलत लोग, इसके अंदर भी वो देने के पीछे भी मतलब कई लॉजिक है। एक तो वोट बैंक का है, दूसरा मालूम है कि खराब हो रहा है तो उनको दे रहे हैं, और तीसरा यह है कि मालूम है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हमारे व्यापारी भाई लोगों से हम औने पौने आधे रेट में जो गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो उद्योगपतियों को
बेनिफिट पहुंचा रहे हैं कि उसे गंदा वाला, सड़ा वाला, सस्ता वाला खरीद कर 10 रुपए 5 रुपए किलो में खरीद कर वो उनको दे रहे हैं 2 रुपए किलो में। अब अपन इसका उल्टा सोचे, अब थोड़ी देर के लिए अपन उल्टा सोचे कि क्राइम फ्री भारत एक ऐसा मॉडल लेके आए कि हर गरीब व्यक्ति को संस्कार दे, उसका स्किल डेवलप करे, अपने गांव में ही रह के वो अच्छे घर में रह पाए, अपने गांव में ही रह के अपने आप जो है ना वो अपने श्रम को जो है वैभव क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज कर पाए और उसे इतना अर्थ मिल जाए, राइट, कि उस कि क्योंकि उससे जो है वो अच्छी क्वालिटी का अमृत तुल्य अन्न ले पाए, अमृत तुल्य फल ले पाए, अमृत तुल्य जो है ना वेजिटेबल ले पाए, अमृत तुल्य दूध ले पाए, अमृत तुल्य जो है ना घी ले पाए, अमृत तुल्य शहद ले पाए और अमृत तुल्य दवाएं जो कि इलाज के लिए नहीं बल्कि हेल्दी लिविंग के लिए जरूरी है वो सामान्य प्रक्रिया के तहत ले लें। तो जो कहा गया है ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, बिल्कुल राइट। तो यदि हम अपनी दिनचर्या में, अपनी सोच में, अपने कर्म में चारों तरफ पॉजिटिविटी ले आएंगे और चारों तरफ जो है ना मंत्रों का उच्चारण होगा, हवन होगा, गायों की पूजा होगी और उनके जो है ना गोबर जिसमें लक्ष्मी विराजत हैं उससे जो है ना जो अभी मिट्टी हमारी केमिकल से बदबू आने लगी है और पूरी तरह से खराब हो चुकी है उसको दोबारा अमृत तुल्य बना के उससे हर चीज अमृत तुल्य पैदा की जाएगी, ऐसा मॉडल क्राइम फ्री भारत ने विकसित किया है वो भी बिना संसाधन के। तो बिना संसाधन के कैसे पैदा हो जाएगा आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मैंने वो आपका एक बार पढ़ा था मुझे तो बहुत अच्छा लगा मगर मैं दोबारा में चर्चा नहीं कर पाया। मैं आपको सोच रहा था कि कभी बैठ के चाय पीएंगे और इसकी विषय में चर्चा करेंगे। आज अपन आज यहाँ तक बात की है और जल्द से एक बार आपके दर्शन करके बैठ कर इस पर फोकस करेंगे और इस प्रकार की चलिए। तो जब तक अपन बैठते हैं वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एक मिनट में अपनी बात को अपन खत्म करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम ज्वाइंट वेंचर मॉडल ला रहे हैं जी। तो जिसकी भी जरूरत है वो ज्वाइंट वेंचर मॉडल का हिस्सा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो है ना सैपलिंग पैदा करने वाले जो पौधे लगने के पहले जो पौधे जैसे नर्सरी होती है वो पैदा करने वाले हो, चाहे उच्च कोट की जो है ना गाय की ब्रीडिंग करने वाले हो, चाहे जो है ऑर्गेनिक खाद बनाने वाले हो, चाहे जो है गायों को रुकने के लिए सेड बनाने के लिए वाले हो, चाहे जो है ना सेड के नीचे की फ्लोरिंग अच्छी से करने वाले हो, चाहे उसके बगल में जो मूत्र बह के नालियों में पहुंच के नालियों में गाय मूत्र का हम यूज कर पाए उसके ऊपर ना केवल नाली बट उसके ऊपर अच्छी सी सुंदर सी जो है उच्च क्वालिटी की जो ना जाली भी लगी हो, राइट, और जहां पर की मंत्रों के उच्चारण की व्यवस्था हो, जहां पर की हवन हो रहा हो, तो गाय को जो है वो वातावरण जहां गाय को नहलाने की व्यवस्था हो, गाय की ब्रशिंग की व्यवस्था हो। आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं बॉडी मसाज के लिए, तो ये मशीनें सिर्फ इंसानों के लिए होंगी, हमारी गाय माता के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं होगी, देखो होना चाहिए। तो हम गाय का जीवन जो है ना अच्छा कर देंगे। और अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका में बड़ा मॉडल चल रहा है कि लोग बाग जाके गायों को गले लगाते हैं, गाय के साथ समय बिताते हैं, तो उनका डिप्रेशन से लेकर ढेर सारी बीपी बहुत सारी बीमारियां उनकी ठीक हो रही हैं। और ये प्रयोग थोड़ा थोड़ा अब इंडिया में भी कहीं कहीं होने लगे, राइट। तो हर जगह जो है आपको मौका मिले कि सजी समरी गायें आपको खड़ी हुई हैं, आप उनको जो है एक टोकन प्राइस देके उनकी पूजा कर सकते हैं, एक टोकन प्राइस देके आप उनको चारा खिला सकते हैं, एक टोकन प्राइस देके जो है ना उनके वो गले लगा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसा हम ऐसा मॉडल बनाया गया है इसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, अलग अलग क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सबको निकाल के उनको ज्वाइंट वेंचर के तहत और उनके काम की जो है उनको तत्काल जो है रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, राइट, और वो क्राइम फ्री भारत रिवार्ड पॉइंट के रूप में मिलेगी जो कि रिडीमेबल होगा। तो जिस ऐप से जो आपको मिलेगा उसी ऐप में आप बटन दबाओगे तो आपके अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू जो है वो 1.2 रुपी के बराबर होती है, राइट, अरे वाह, राइट।
और जो है रिवार्ड पॉइंट को यदि आप फिक्स डिपॉजिट में सीएफबी के साथ जमा करेंगे तो जी इट विल अर्न 1% मोर इंटरेस्ट देन बैंक एसबीआई बैंक। तो अच्छा हमेशा यदि कम होगा तो जो है ना सीएफबी का इंटरेस्ट भी रिवार्ड पॉइंट पे कम हो जाएगा, राइट। और हम चूंकि चाहते हैं कि हमारा पैसा जो रिवार्ड पॉइंट है ये कोई रिडीम ना कराए, क्योंकि जैसे ही वो रिडीम करके रुपए में चला जाएगा तो आप स्कर्सिटी के जाल में फंस जाएंगे, राइट। रिवार्ड पॉइंट तो अवंडेंस है, जैसे सूर्य से पानी, जैसे सूर्य से ऊर्जा बह रही है ऐसे ही रिवार्ड पॉइंट बहेंगे, राइट। तो रिवार्ड पॉइंट की वर्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो सीमित हो जाएगा, राइट। तो कोई रिवार्ड पॉइंट को रिवार्ड पॉइंट के रूप में ही रखा जाए, जैसे गाना है ना, प्रेम को प्रेम ही रहने दो कोई नाम ना दो, राइट। तो रिवार्ड पॉइंट को एक रिवार्ड पॉइंट ही रहने दिया जाए, उसे आप बटन दबा के तत्काल रियल टाइम बेसिस पे आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा ना हो उसको रुपये में कन्वर्ट करने की, तो उसके लिए 10% रिडेम्पशन फीस रखी गई, राइट। ये बहुत सोच समझ के रखी गई है, जिससे कि आपकी इच्छा जो है ना उसे रिडीम करके 10% पैसे अपने काम करने की क्यों इच्छा हो आपको, राइट। और चूंकि हर चीज अमृत तुल जो है ना इसी मॉडल के तहत ज्वाइंट वेंचर में पैदा होगी, तो आज का विषाक्त जो है ना आपका अन्न नहीं होगा, आपकी विषाक्त सब्जियां नहीं होंगी जिससे कैंसर हो रही है, ऑटोनोमस डिसीजेज हो रही हैं, तो हम जो है अमृत तुल्य चीजें पैदा कर पाएंगे, और वो अमृत तुल्य चीजें 10% के रिवेट पे जो है ना रिवार्ड पॉइंट से खरीदी जा सकती है। वाह, मतलब आप 100 रुपए में जो चीज खरीदेंगे रिवार्ड पॉइंट में वो 90 रुपए में मिलेगी। अब मतलब है कि रिवार्ड पॉइंट किसको मिलेंगे, जो चाहे आपका वॉलंटियर हो या ज्वाइंट वेंचर में आपका हिस्सा हो, दूसरे के पास तो रिवार्ड पॉइंट पहुंचेंगे नहीं। तो नहीं, आप यदि सिस्टम के बाहर के व्यक्ति हैं, आप कहीं अपना दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको अमृत तुल्य चीजें खरीदने के लिए यदि आपको रिवार्ड पॉइंट चाहिए तो सीएफबी के ऐप से आप उसे खरीद सकते हैं, उसमें 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी। वेरी गुड। अच्छा, अब आपने 100 रुपए में आपको 99 पॉइंट मिल गए, राइट जी। और 99 पॉइंट में 90 रुपए में आप जो है ना 100 रुपए के बराबर आज चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आपको 9% का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इस तरीके का मॉडल के साथ हम अवतरित हो रहे हैं आपके माध्यम से। मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चाएं रखी जाए जी, जी, जी। टीवी पे जो है ना इसकी डिबेट रखी जाए, दूसरे साइंटिस्ट वगैरह को बुलाया जाए, मेरा उसमें जो है ना वो रखा जाए कि मैं पक्ष रखूं, और लोगों को सुनूं यदि उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, तो इस मॉडल को तो मैंने बनाया है उसमें वो सुझाव डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस सुझाव को और इस मॉडल को जमीन पे उतारेंगे तो फिर जो है ना एक अपराधी राजनेता हमें फ्रीबी बांट के, हमें जो है ना दारू बांट के, हमें पैसे बांट के, हमें साड़ी बांट के हमारे जो है ना वोट को नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि क्राइम फ्री भारत एक एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन का फंडा लेके आ रहा है। अरे वाह, मतलब आने वाले समय में आपको चुनाव कराने के लिए जी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मॉडल हमारे दिमाग में है और हम उसको लेके आएंगे। अब अज्यूम करिए, अब अज्यूम करिए कि 0 पैसे खर्च पे सब चुनाव लड़ेंगे तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, तो चुनाव कंडक्ट करना क्या प्रैक्टिकल होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ फंडे लाना पड़ेंगे, कुछ मेरिट के फंडे लाना पड़ेंगे, कुछ कंपटीशन लाना पड़ेगा, कुछ क्राइटेरिया लाना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग जैसे यूपीएससी जो है ना 3 सीनियर मोस्ट 3 जो है ना सबसे अच्छे लोगों की सूची बनाती है, जिसमें से एक को डीजी बनना होता है, राइट जी। वैसे ही जो है ना 5 लोगों की एक सूची बनेगी, इलेक्शन कमीशन बनाएगी बेस्ड ऑन वेरियस मेरिट्स, राइट जी, जी। और फिर उनका उनमें से एक को चुनाव जो है ना जनता करेगी और वो फ्री में होगा। अरे वाह, तो आपको क्रिमिनल से मुक्ति मिल गई कि नहीं मिल गई? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपके जो है ना ऐसे मेरिट से निकले जो राजनेता होंगे जी, उनकी सोच भी बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल फ्री होगी।
अभी देखिए कि आप जो है ना जितने भी राजनेता हैं ये अपने बेटे को जो है ना टिकट दे देते हैं, फिर वो चुनाव जीत जाता है इनके प्रभाव में, फिर उसको जो है ना सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं और उसे जो है ना अगला मुख्यमंत्री बनाने का भी स्वप्न ये उसी दिन देखने लग जाते हैं जब तो अपन सामने देख रहे हैं सारा सब कुछ रोल यहाँ सामने। हाँ ऐसे आप चाहें तो नाम भी ले पाएंगे दो चार से। चाहे दिग्विजय सिंह का बेटा हो, चाहे मुलायम सिंह का बेटा हो, चाहे माधव सिंधिया का बेटा है, सब शौक बहुत सारे लोग हैं। चाहे सूर्या गांधी का बेटा है, सचिन पायलट से लेके बहुत सारे लोग, सचिन पायलट से लेकर कई अन्य हो, बल्कि उनकी फौज बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी संख्या। ये तो अपने आमने सामने भी, साउथ में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, बहुत लंबी। तो क्राइम फ्री भारत आप तो क्राइम फ्री भारत आपको समृद्धि लाएगा और जिन लोगों ने जो है इस तरीके का काम किया है तो जब हम मेरिट बनाएंगे, मेरिट के क्राइटेरिया फिक्स करेंगे तो वो लोग ही क्वालिफाई कर पाएंगे जिनका जीवन तपस्या रहा है। नहीं बिल्कुल, उन्हीं को अपनों आगे लेकर आना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी रहेगी कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए तो क्रिमिनल्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी क्योंकि वो कंपटीशन में आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना? नहीं भाई, बस वही अपने को लाइन अच्छा नहीं है कि अब, नहीं, अब एक दूसरी बात भी है कि कोई दुष्ट जो है ना मेरिट में आ गया है लेकिन वो जो है यदि पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो एक यार्डस्टिक जो नया मेंबर मतलब जो तो नेक्स्ट टाइम जो इलेक्ट कर रहा है उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को भी एक क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में रखा जाएगा। मतलब वो 5 लोगों में नहीं आ पाएगा यदि वो पहले बना है और उसने परफॉर्म नहीं किया है। जी अच्छा, क्या बात है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हाउस के सदस्य हैं जिनका ना चेहरा दिखाई देता है ना जिन्होंने कभी मुंह खोला है ना कभी कोई प्रश्न पूछा है। नहीं बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो ऐसे प्रतिनिधि हमारे हमारे हम उनके हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों बने? लोगों ने बना एक कानून की आड़ लगकर बना रहा है, वही हो रहा है, उसके पीछे तमाशा कोई और कर रहा है, नाम किसी और का चल रहा है, यही धरा से चलती है। तो एक पूरी सोच लेने वाले जिसमें तपस्वियों को मौका दिया जाए, यदि हम राजनेताओं को इन दुष्टों को यदि हम ऐसे तपस्वियों से रिप्लेस कर दें तो हमारा भारत कहाँ जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल सही, उसको रोकने की किसी की क्षमता नहीं होगी। नहीं, आप जैसे लोग हैं समाज में काफी गंभीर लोग हैं, किन्नी मजबूरी से कर नहीं पाते मगर बोलते तो हैं। सलाह नहीं, हम बोल नहीं रहे, हम तो पूरा मॉडल लेके आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमसे जुड़ो, अपन करके दिखाएंगे यार। नहीं हम जुड़ेंगे हम नहीं, आपके अकेले जुड़ने से काम नहीं बनना है, इसमें साइंटिस्ट को जुड़ना पड़ेगा, इसमें इंडस्ट्रीज को जुड़ना पड़ेगा, फार्मर्स को जुड़ना पड़ेगा, डॉक्टर्स को जुड़ना पड़ेगा। तो क्राइम फ्री भारत की एक सोच ये भी है हेल्दी भारत। क्या जो है ना हम आईएएस आईपीएस वगैरह और जो समृद्धशाली लोग हैं उन्हीं का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। भारत के हर नागरिक का जो है ना एनुअल मेडिकल चेकअप क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत जो है ना विल बी इंश्योरिंग नॉट ओनली द मेडिकल चेकअप बट योगा क्लासेस, स्पिरिचुअल क्लासेस, वैल्यू बिल्डिंग क्लासेस। हम भारत की और युवाओं की सोच बदल देंगे। बिल्कुल राइट। आपको क्या लगता है कि ऐसे भारत में आप नहीं रहना चाहेंगे क्या? क्यों नहीं रहना चाहेंगे हम लोग? तो ऐसे भारत बनाने के लिए आपकी अपनी भूमिका क्या होना चाहिए, इस पे आप विचार नहीं करेंगे? बिल्कुल 100% करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से आप जैसे ही सोच रखने वाले लोगों का आह्वान करता हूं कि वो आगे आए, दूसरे की मेहरबानी के बजाय हम अपने स्वप्न का भारत खुद पैदा करें। क्या बात है। क्योंकि ये चोर और ये क्रिमिनल, ऐसा भारत ना तो उनकी सोच का हिस्सा होगा बल्कि उसकी सोच मात्र से ही उनकी अंदर की जो हड्डियां हैं वो कांप जाएंगी। उसको करना तो बहुत दूर है, वो उसको पैदा होने में जितने भी अड़ंगे लगा सकते हैं वो लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं, सब समाज में मेरे को मालूम है कि आप जैसे उच्च कोटि के लोग हैं, उच्च विचारक लोग हैं और व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम थक जाएंगे अभी आप नहीं। लेकिन ऐसे लोग अपना जो है ना पेंशन लेके आराम से अपने घर पे बैठ के जो है ना सुबह से शाम तक प्रयास करें तो नहीं होता है। नहीं, बहुत सारे लोग लोग गलत कर रहे हैं, मैं उनको भी ठीक नहीं मानूंगा और अपन जल्द मिल रहे हैं और इस पर अपन काम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है इसमें
अलग अलग पत्रों के जो है ना इंटरव्यूज करिए इसी के ऊपर कि क्राइम फ्री भारत की क्या सोच है, हाउ इट विल ब्रिंग द वेल्थ टू द कंट्री दैट टू विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि यह पॉसिबल है और इसे 2 साल के अंदर जमीन पे उतारा जा सकता है, 2024 के चुनाव के पहले जमीन पे उतारा जा सकता है। आपकी आपकी सर ये जो भी कल्पना है, जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, मैं भोपाल के सभी पत्रकार के साथ में वरिष्ठ समाजसेवी के नॉलेज में ये बात लेकर आऊंगा। नहीं नहीं देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए अपन क्या कहते हैं कि जिसकी भावना होती है, जिसका प्लान होता है, यदि उसी के मुंह से निकलता है तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। नहीं नहीं आपको मैं तो अभी तक जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना लोग अपने अपने उसके हिसाब से करते हैं। जी अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए जिसमें मुझे इनवाइट करिए और क्वेश्चन पूछिए, मैं इनवाइट नहीं करूंगा। आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट करेंगे और उनसे जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए। बिल्कुल, तो अपन बना के प्लान बना के वो जल्द करेंगे। और टीवी में जो है ये क्या बड़ा दुख और विडंबना का विषय नहीं है कि कोई कांग्रेस पार्टी का जो है ना पट्टा लगाता है, कोई भाजपा का पट्टा लगाता है, कोई पत्रकार का पट्टा लगाता है ना। पार्टी कोई खराब नहीं होती है, मगर वहाँ के ऐसे लोगों को उसमें बहुत से अच्छे लोगों को आगे आने दे और उनकी टांग ना काटे। ये टांग काटने वाले ये भ्रष्टाचारी अत्याचारी नहीं होना चाहिए। अच्छे लोगों को काम नहीं करने देते, उन लोगों के प्रति तो प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन भारत में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मगर अच्छे लोगों को पीछे कर देते हैं, मौका नहीं देते। और क्रिमिनल तो चलिए आज अपन 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप जो है अग्रणी भूमिका निभा के क्राइम फ्री भारत देश को कैसे जो है ना एक अच्छी व्यवस्था देगा, कैसे जो है ना एक समृद्ध भारत का निर्माण करेगा, कैसे एक हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस एंड राइट थिंकिंग वैदिक भारत का निर्माण करेगा। कौन करेगा? क्राइम फ्री भारत। अपन इसको बहुत तेजी से आगे लेकर आएंगे और ये जिस भावना है इसको जन जन तक पहुंचाएंगे और समाज सेवी के माध्यम से ही हो पाएगा, राजनीतिक के माध्यम से नहीं होगा। तो विनोद जी जो हमारी आपसे बात हो रही है ये रिकॉर्डेड है, यदि आपकी इजाजत हो तो इसको हम जो है ना मीडिया पे लॉन्च कर दें, क्राइम फ्री भारत प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दें। नहीं बिल्कुल 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 आप कीजिए और जो भी आपने डालें और जो भी मेरे को करना है मुझे बताएं, मार्गदर्शन दें। मैंने आपको 2 चीजें बता दी है, इसको कर दीजिए। मॉडल रेडी है, 2024 के पहले जो है ना ये जमीन पे होगा, 2024 से जो है ना इस देश का भाग बदलेगा। बस बस वेरी गुड, हमारी शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलके अपनी भूमिका तलाशते हुए यह संभव बनाएं। बिल्कुल, दूसरों से और दूसरों की मेहरबानी पर आश्रित ना रहे राइट। बहुत धोखा खा चुके अब नहीं खाना है। ओके, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू।